श्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। प्रिय स्वजनों, अमेरिका पेंसिल्वेनिया फिलाडेल्फिया के यार्डली शहर में वृंदावन धाम में हम बैठे हैं परम भगवदीय डॉक्टर प्रतिमा बहन एवं मुकुंद भाई शेठ के मंदिर में। घर तो कृपा है, मुख्यतः मंदिर है, भगवान श्री राधा कृष्ण विराजमान है और जो एक संकल्प दिव्य किया है, गीता विषाद से मोक्ष तक श्री कृष्ण के संग इस यात्रा का दूसरा चरण। आइए भगवद गीता का दूसरा अध्याय। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रु पूर्णाकुले क्षणम् विशीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। प्रिय स्वजनों, प्रथम अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन स्वजनों को देख करके मोहित हुआ, विषाद युक्त हुआ, करुणा सक्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि एतान कुरुन पश्य, ये कुरुओं को देख, लेकिन अर्जुन ने कहा दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण, अर्जुन मैंने तो स्वजनों को देखा। अब जब बताया था कुछ, देखा कुछ, तो विकार आना स्वाभाविक था और उन विकारों के कारण मोहासक्ति आई कि स्वजनों को कैसे मारूं, अपनों को कैसे मारूं। धृतराष्ट्र और अर्जुन में अंतर यह है, धृतराष्ट्र अपनों का शोषण करना चाहता है, अर्जुन अपनों को बचाना चाहता है, अपनों का पोषण करना चाहता है। धृतराष्ट्र संघर्ष ले आता है, अर्जुन संघर्ष से भागना चाहता है। प्रिय स्वजनों, संघर्ष ले आना या संघर्ष से भागना, दोनों हैं तो बीमारियां हैं। आदर्श स्थिति यह है कि या तो संघर्ष निर्माण ही न हो या संघर्ष सामने उपस्थित हो तो उसका सामना करके विजयी बन के बाहर आए। संघर्ष उपस्थित करना तो अच्छी बात है ही नहीं, लेकिन संघर्ष से भाग जाना, संघर्ष से उपरत हो जाना, टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटीज इज इक्वली बैड थिंग। और भगवत गीता जो कि जीवन का शास्त्र है, परमात्मा श्री कृष्ण की मधुर और दैवी वाणी है, वो हमें जीवन का स्वीकार करके विजयी बनाने का शास्त्र सिखाती है। आइए द्वितीय अध्याय, इसका नाम है सांख्य योग। सांख्य नंबर्स, संख्या शब्द से सांख्य शब्द व्युत्पन्न होता है। जीवन का ये ऐसा दृष्टिकोण है कि 2+2=4, इतनी स्पष्ट बात है, सिद्धांतों की बात है। दिस इज हाउ द एग्जिस्टेंस ऑपरेट्स, जीवन ऐसे चलता है, ये बात है। और जीवन की ये यदि गतिविधियां हैं तो हमें उस जीवन के प्रवाह में अनुकूल हो करके संघर्षों से कैसे दूर रहें या उपस्थित संघर्षों का कैसा सामना करके विजयी बने, यह शास्त्र परमात्मा श्री कृष्ण सिखाते हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय में। यह उसकी पूर्व भूमिका है। मुख्य चार विषयों का वर्णन द्वितीय अध्याय में आया है। सबसे पहले तो आत्मा की अमरता, और पांचवा एक कहूं, पहले 10 श्लोकों की बात करूं तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया है। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन अपना समर्पण करता है, देखेंगे उस श्लोक को। फिर 11 से 30 ये 20 श्लोकों में सांख्य शास्त्र की जो बात की है प्रभु ने, उसमें देह की क्षुद्रता और आत्मा की अमरता का वर्णन है। टेम्पररी नेचर ऑफ द बॉडी
एंड परमानेंट नेचर ऑफ द सोल। साथ में ये भी समझाया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। 31वें श्लोक से जो बात शुरू होती है, भगवान स्वधर्म समझाने का आरंभ करते हैं और धर्म युद्ध तुम करने जा रहे हो अर्जुन, इस बात को प्रभु ने समझाया है। और अंत में फिर कर्मयोग की बात करते हुए कर्मयोग का वर्णन किया, जिसमें अति प्रसिद्ध श्लोक भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 47वां श्लोक, जिसको कर्मयोग का हम सिद्धांत कहते हैं, और कई लोगों को यह श्लोक स्मरण में भी होता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और फिर अर्जुन जब प्रश्न पूछता है कि प्रभु ये जो आप वर्णन कर रहे हो, ऐसे ज्ञानी लोग, ऐसे बुद्धिमान लोग यदि हों तो हम उनको पहचाने कैसे, दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक से अंतिम 72वें श्लोक तक, ये और 55वें श्लोक से जो भगवान का उपदेश शुरू होता है, ये 18-19 श्लोक स्थित प्रज्ञ दर्शन है, गीता का एक अद्भुत शिखर है ये। आइए संक्षेप में ये दूसरे अध्याय का जो दर्शन करें। पहले अध्याय के अंत में जो हमने देखा कि अर्जुन बैठा हुआ है रथ के पिछले हिस्से में, धनुष बाण छोड़कर बैठ गया है, भगवान से उसने कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से अर्जुन को जागृत करने का, अपने कर्तव्य के प्रति सन्निष्ठ बनाने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण ने आरंभ किया है। कृष्ण के शब्द आरंभ होते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लेब्यम मास्मगम पार्थ पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ प्रंतप। सबसे पहला शब्द जो भगवान के मुख से प्रकट हुआ है भगवद गीता में दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में, वो कुतः, कहां से, वेयर फ्रॉम। अर्जुन ये तुरे हृदय की दुर्बलता, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, अर्जुन जिसको अपना गुण समझ रहा था, भगवान ने उसको क्षुद्र निकृष्ट प्रकार के हृदय की दुर्बलता बता दिया। अर्जुन ने सोचा था कि युद्ध छोड़ करके जाने की बात करता है, बहुत बड़े त्याग की बात कर रहा है कि भले दुर्योधन राज्य करे, हम लोग तो जंगल में चल जाएंगे, भिक्षा मांग के जी लेंगे, वो मुझे मार दे तो भी सही है, क्यों युद्ध करूं, परिवारजनों को क्यों मारूं, स्वजनों को क्यों मारूं, अधर्म क्यों ले आऊं, धर्म की रक्षा करूंगा, कुरुधर्म बचा रहेगा, ऐसी जो सयानी सयानी बातें अर्जुन कर रहा था, उसने तो सोचा कि ये मेरी बातें सुनकर के भगवान श्री कृष्ण बजाएंगे ताली, ताली बजाने की बात दूर रही, यहां तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी है गाली। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, क्लीब मत बन अर्जुन, ये सही मुख में गाली है। क्लीब शब्द का अर्थ होता है इंपोर्टेंट, क्लीब शब्द का अर्थ होता है नपुंसक, क्लीब शब्द का अर्थ होता है शंड, और किसी भी पुरुष के लिए उसको इंपोर्टेंट कह देना, उससे बड़ी गाली क्या हो सकती है, और वो भी अर्जुन जैसे वीर के लिए, अर्जुन जैसे क्षत्रिय के लिए, अर्जुन जैसे योद्धा के लिए कहा जाए कि तू नपुंसक मत बन, इट डजंट बिफिट यू, ये तुझे शोभा नहीं देता। क्यों श्री कृष्ण को इतना स्पष्ट होना पड़ा प्रिय सुजन? क्योंकि भगवान कहते हैं ये कश्मल जो आया है, ये दुर्बलता तेरे मन में आई है, वह कब आई है? विषमे समुपस्थितम, विषम परिस्थिति में आई है। श्री कृष्ण करुणावान है, श्री कृष्ण मनुष्य के मन को जानते हैं कि देर आर मूड स्विंग्स, मानव है, संवेदना वाला मनुष्य है, कभी अप्स एंड डाउन होता है, हमेशा आप चार्ज रहो नहीं संभव है, हमेशा आप खुश खुश रहो नहीं संभव है, कभी व्यक्ति दुखी भी होता है, कभी थोड़ा डाउन भी होता है, कभी थोड़ा सल्क भी होता है, लेकिन कब, उसका भी तो समय चाहिए। पूरा दिन व्यक्ति अगर पुरुषार्थ करे और शाम को थक जाए तो बात समझ में आती है, हमें संपत्ति होती है, हम जाकर उसके कंधे पर हाथ फैलाएंगे, बहुत काम कर लिया तुमने दिन में 12 घंटा, सो जाओ, हम ही कहेंगे उसको थके हुए। लेकिन सुबह 8 बजे उठकर यदि कोई कहे थका हुआ हूं, मांदा हूं, सर नीचे करके बैठा हो, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होती, ये चिंता का विषय होता। जहां पर यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, जिस परिस्थिति में तुम्हें अपने आप को सिद्ध करना है, जिस परिस्थिति में तुम्हें अपना दायित्व निभाना है, उस परिस्थिति में तुम हार कर बैठ जाओगे तो ये विषम परिस्थिति है।
यहां पर तुम्हारा तुम्हारी थकान, तुम्हारी उदासी, तुम्हारा पीछे हटना, इसका गौरव नहीं होगा, उसकी निंदा होगी। और यही बात श्री कृष्ण कहते हैं, अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति करम अर्जुन। युद्ध में लड़ करके योद्धा घर आए और कहे कि मैं थका हूं, मांदा हूं, या वेदना मुझे हुई है, चीख रहा है, तो हम उसको ट्रीटमेंट करेंगे कि युद्ध में जीत कर आए, लड़ कर आए, अपना दायित्व तो निभा कर आए। लेकिन जो लड़ाई नहीं, भाग कर घर पे आया और कहता डर गया था, उसके सबके हाथ में तो बड़े बड़े शस्त्र थे, हथियार थे, क्या करूं मैं, तो क्या उसकी तुम अरे बचाओ, छाप जाओ, छुप जाओ, चलो हम आप तुम्हारे ऊपर कंबल डाल दे, कहेगा कोई? अरे तुम घर में आए ही क्यों, रण मैदान से भाग कर आए हो, शर्म नहीं आई तुम्हें? विश्राम करना, मानसिक रूप से थोड़े लो होना, यह अपराध नहीं है। लेकिन वो कब हो रहा है? कर्तव्य ठीक से निभाने के बाद यदि व्यक्ति थोड़ा विश्राम करे तो वो आदरणीय है, वो प्रसन्नतादायक है, उसके प्रति करुणा होती है। यहां पर अर्जुन ने कर्तव्य नहीं निभाया और भागने की बात कर रहा है, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं ये तुझे शोभा नहीं देता अर्जुन, नहीं तत्व उपपद्यते। अच्छे लोग ऐसी बात नहीं करते, अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम। अर्जुन तो सोचता है कि ये तू मर जाएगा तो दे स्वर्ग मिलेगा, दुर्योधन के बाणों से मरेगा तो नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, अकीर्ति करम, ये सुजनों यहां पर सूत्र श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, कर्तव्य निभाने के बाद विश्राम स्वीकार्य है, कर्तव्य छोड़कर आया हुआ विश्राम अस्वीकार्य है, निंदनीय है, तिरस्करणीय है। तो देखिए श्री कृष्ण मनुष्य को समझते भी हैं, लेकिन वो कब आप कर रहे हैं, उठाने का प्रयास करते हैं, अर्जुन को प्रेरणा देने का प्रयास करते हैं श्री कृष्ण, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नहीं तत्व उपपद्यते, तुझे शोभा नहीं देता, इट डजंट बिफीट यू। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की इस दुर्बलता को छोड़ दे और त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, खड़ा हो जा। यही बात कठोपनिषद में भी ऋषियों ने की, यमराज नचिकेता को जब उपदेश देते हैं, उत्तिष्ठत प्राप्यत वरान निबोधत, महापुरुषों के पास जाओ, जीवन का बोध लो, और महापुरुषों से उपदेश जो प्राप्त करते हो उसको आचरण में रखो। जस्ट डोंट मेक इट एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, डोंट मेक इट एन पास टाइम एक्टिविटी, डोंट मेक इट एन एंटरटेनिंग एक्टिविटी। महापुरुषों के पास से जो सुनते हो शास्त्रों का सार, उसको तुरंत आचरण में रखना आरंभ करो, तो परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। उत्तिष्ठत प्राप्य वरान, जागृत प्राप्य वरान निबोधत। यहां पर भी श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे, उत्तिष्ठ नरशार, खड़ा हो जा अर्जुन, परंतप है, परान तापयति इति परंतप, परंतपय, तेरा कर्तव्य क्या है, जो पर है अर्थात जो तेरे मत से विरुद्ध है, जो अधर्मी है, उनको कष्ट देना ये काम है, उनसे डर के भाग देना ये तेरा धर्म नहीं है। तुझे शक्ति किस लिए दी गई है? तेरी तुझे दी गई शक्ति, तुझे दी गए तेरे दी गए सामर्थ्य का सदुपयोग कर अर्जुन, खड़ा हो जा। प्रेरणा दी, लेकिन इतनी जल्दी यदि अर्जुन खड़ा होता तो हमें भगवद गीता कैसे मिलती? बड़े लोगों की बीमारियां भी बड़ी होती हैं प्रिय स्वजनों, छोटे आदमी को कहो खड़े हो जाओ तो तुरंत खड़ा हो जाता है। ये तो अर्जुन तो बुद्धिमान है ना, और बुद्धिमान लोग जब अपनी बीमारी पकड़ी जाए तो जल्दी से स्वीकार नहीं करते, वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, नहीं लेकिन ऐसा, बट ये ऐसा, एक्चुअली ऐसा, आई नो यू आर राइट बट, ये बट वाली बात निकलती नहीं। अर्जुन का यही हो रहा है, तो वो अर्जुन भगवान से कह रहा है, प्रभु कथम भीष्म महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन, प्रभु मैं कैसे मारूं ये भीष्म और द्रोण को, इशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा हरिसूदन, हे हरिसूदन ये तो बड़े जिन भीष्म पितामह की गोद में बैठकर मैं खड़ा हुआ, मैं बड़ा हुआ, ये द्रोणाचार्य मेरे गुरु जिन्होंने मुझे बाण विद्या सिखाई, मेरे बाण उन्हीं के सामने मैं प्रहार करूं, ये पूजा रहो, पूजा के योग्य हैं,
उनको मैं कैसे मारूं? रू न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भिक्षमपि हलोके। अर्जुन अपनी मनस्थिति की बात कर रहा है कि इन लोगों को मारने से तो बेहतर है मैं भिक्षा मांग के जीवन मेरा व्यतीत करूं। हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ये रुधिर प्रदिग्धान भोगान ब्लड शेडेड जो प्लेजर्स हैं, इन लोगों को मारकर मुझे राज्य मिलेगा तो कैसा होगा? रक्त रंजित राज्य होगा, लहू से रंगा हुआ राज्य होगा, वो मुझे नहीं चाहिए। अर्जुन करुणावान हुआ है, वो तो ये भी कहता है नचैत विद्मह कतरन्नो गरीयो यदवा जयेम यदि वा नो जय। कन्फ्यूजन है अर्जुन का, प्रभु मुझे ये भी पता नहीं है कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, हम जीते वो श्रेष्ठ या वो हमें जीते वो श्रेष्ठ। अब सीधी सी बात है भाई, किसी से भी पूछो, रण मैदान में आए हो तो तुम जीतो वही तो श्रेष्ठ होता है। अर्जुन कहता है नहीं प्रभु, हम ये शायद वो भी श्रेष्ठ हो कि दुर्योधन जीत जाए। यहां पर अर्जुन स्वार्थी नहीं है, इतनी बात तो स्पष्ट हो गई। यदि वो स्वार्थी होता तो कहता ना कि मैं ही जीत जाऊं। अर्जुन अपना स्वार्थ नहीं चाहता, अर्जुन समाज का कल्याण चाहता है, वो तैयार है। यदि मेरे हारने से या मेरे मरने से भी समाज का कल्याण होता हो, लोगों का कल्याण होता हो, तो मैं हार स्वीकारने के लिए भी तैयार हूं, मैं रण छोड़कर भागने के लिए भी तैयार हूं, मैं प्राण त्याग करने के लिए भी तैयार हूं। ये अर्जुन की तैयारी है। और वो तो कहता है यानेव हत्वा न जिजी विषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। जिनको मार करके हमें जीने की भी इच्छा न रहे, ऐसे प्रमुख जो धार्तराष्ट्र कौरव है वो सब मेरे सामने प्रमुख के अवस्थित मेरे सामने खड़े हैं। प्रिय स्वजनों, जीवन में स्वजन होना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य अपने जीने के लिए, सुख के लिए स्वजनों की अभिलाषा रखता है। अकेले में आनंद नहीं है। बहुत बड़ा मकान हो और उसमें कहा जाए कि व्यक्ति कोई अकेला ही रह जाए तो क्या वो बड़े बड़े बहुत बड़ा मकान भी उसके लिए बंदी खाना बन जाएगा, जेल के समान बन जाएगा। वो चाहता है कि स्वजन हो, उसके परिवारजन हो, उसके अपने लोग हों। अर्जुन कहते हैं ये मैं कौरवों को तो मैं अपना मानता हूं, मेरे परिवार के लोग हैं, वो चाहे मुझे पराया मानते हो लेकिन मैं तो उनके उन्हें अपना मान रहा हूं। और वे सब जो अपने लोग हैं यही न रहे तो फिर मुझे सुख कहां से मिलेगा? उससे तो अच्छा है उनकी इच्छा है मैं न रहूंगा वो सुख से रहे। दूसरे अध्याय का सातवां श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रिय स्वजनों, जहां पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख अपना शिष्यत्व स्वीकार किया है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वाम प्रपन्नम्। अर्जुन के अंतःकरण का पूरा MRI रिपोर्ट इसमें आ गया, केवल एक्सरे भी नहीं, MRI बहुत डिटेल में होता है ना, तो MRI रिपोर्ट पूरा यहां पर आ गया। स्वयं की क्या है स्थिति वो भी उसने बता दी, और उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए वो क्या करना चाहता है वो कर लिया उसने। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, अर्जुन ने यहां पर तो एक स्वीकार कर लिया कि ये जो कार्पण ये करुणा है ना वो मेरी कृपणता बन गई है, मेरी दोष बन गया है। स्वजनों के प्रति प्रेम होना अच्छी बात है, लेकिन ये जो मुझे अपना स्वजन नहीं मानते ऐसे लोगों के प्रति आया है जो मेरे स्वजन वास्तविकता में नहीं है उन्हें मैं स्वजन मान रहा हूं, पहली बात। जिनका विरोध मुझे करना चाहिए क्योंकि वो अधर्म के मार्ग पर खड़े हैं उनका मैं विरोध कर रहा हूं, इसलिए दूसरी बात। इसलिए ये दया या करुणा अर्जुन समझता है कि मेरे लिए दोष बन गया है। कई स्थिति ऐसी होती है जहां पर करुणा न होनी चाहिए, वहां तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना होता है। पुलिस कभी गुनेगारों के प्रति करुणा कर रहे वो तो मेरे अपने वाले लोग हैं,
पुलिस जहां पर जिस एरिया में रहता वही एरिया के लोग दंगे कर रहे हो, आगजनी कर रहे हो, और पुलिस कर रही है तो मेरे सब मेरे नेबर मेरे पड़ोसी दिन रात उनको सुबह सुबह मैं मिलता हूं, इनको मैं कैसे मारूं, ये आगजनी कर रही है, गलत काम कर रहे हैं, तो पुलिस उस वक्त उसके अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, वहां अपना पर नहीं देखना चाहिए। कोर्ट में न्यायाधीश हो और उसके सामने उसका भतीजा आ गया सामने, गुनाह किया है, गुनाह सिद्ध हो रहा है, और न्यायाधीश कह रहे मेरा भतीजा है कैसे उसको सजा करूं, ये नहीं चलेगा। कई जगह पर जो अपनापन निर्माण करना ये दोष माना जाता है, अर्जुन ने स्वीकार किया कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, और वो कहता है कि मेरा स्वभाव अपहत हुआ, अर्थात अब वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में होता तो मैं ये न होने देता, इट इज आउट ऑफ माई कंट्रोल। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ चेतः, अर्जुन कहता है प्रभु मैं धर्म सम्मूढ़ चेतस होकर के आपसे पूछ रहा हूं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन जानता है मेरी समस्या धर्म और अधर्म में से एक को स्वीकार करने की नहीं है, मेरी समस्या दो धर्म में से एक को स्वीकार करना। प्रिय सज्जनों, एक धर्म और एक अधर्म होता तो अर्जुन के पास उतनी तो बुद्धि थी कि वो अधर्म को छोड़ देता, धर्म को स्वीकार कर लेता, लेकिन यहां पर दो धर्म सामने खड़े। It is not a choice between black and white. It is a choice from the various shades of grey. तो इसलिए कठिन बन जाता है। क्या है दो धर्म? एक व्यक्ति धर्म है और एक समष्टि धर्म है। व्यक्ति के रूप में अर्जुन का धर्म है कि बड़ों का सम्मान करें, स्वजनों का आदर करें, स्वजनों से स्नेह करें, ये व्यक्ति धर्म है उसका। और समष्टि धर्म, यूनिवर्सल ड्यूटी जो उसकी है वो क्या कहती है, क्षत्रिय के रूप में उसका कर्तव्य है कि धर्म की रक्षा करे और अधर्म के मार्ग पर जो है उनका सामना करे, उनसे युद्ध करे, उनको हराए। अब यहां क्या हुआ है, स्वजन ही अधर्म के मार्ग पर खड़े हैं, तब क्या करें? जैसे पुलिस में कहूं, पुलिस का कर्तव्य है कि अपने लोगों की रक्षा करे और असामाजिक तत्वों को सजा दे, तो बहुत क्लियर बात होगी कि अपने जो अच्छे अपने लोग हैं उनकी रक्षा करो और एंटी सोशल एलिमेंट से उनको पनिश करो। लेकिन अपने लोग जब एंटी सोशल बनके खड़े हो, अपने लोग जब असामाजिक तत्व बनकर खड़े हो, तब पुलिस क्या करे? अब अपने लोगों को संभालो वो उसका काम है, या असामाजिक तत्वों को सजा दो? अर्जुन की यह स्थिति आई, मैं जिनको अपना मानता हूं, ये बात मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा प्रिय सज्जनों, अर्जुन उनको अपना मानता है, वास्तविकता में वो अपने नहीं है, और इसलिए यहां तो ये हुआ है कि वो जो अपने हैं वो इतने दुष्ट हैं, उनको पता है कि अर्जुन संवेदनात्मक व्यक्ति है, अर्जुन इज एन इमोशनल पर्सन, तो उसकी इमोशन को हम एक्सप्लोइट कर सकते हैं क्योंकि वो तो हमें अपना मानता है, हम उसको मारेंगे। दुष्टों के हाथों छला जाना, टू बी चीटेड बाय द रॉन्ग पीपल इज नेवर अ रिलीजियस प्रोसेस, याद रखना। अर्जुन यहां उसमें फंसा है, इसलिए कहता है कि पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ चेतः, क्या मांगा उसने कृष्ण के पास, यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहितं मे, प्रभु जो निश्चित श्रेय हो। उपनिषद में यम राजा ने कहा दो बातें होती है, प्रेय और श्रेय। अधिकतर लोग प्रेय के शिकार बनते हैं, अर्जुन यहां श्रेय की अभिलाषा रख रहा है, जो श्रेय हो मेरे लिए वो मुझे कहिए, कल्याण मेरा कहां है ये बताइए, और वो भी निश्चित श्रेय हो वो बताइए प्रभु। शिष्यस्ते हम अहं ते शिष्यः, मैं आपका शिष्य हूं, शाधिमाम मुझे उपदेश कीजिए, त्वाम प्रपन्नम मैं आपकी शरण में आया हूं। तीन बातें कही, अहम ते शिष्य, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका शिष्य हूं, ये कहते हुए अर्जुन ने
पिछले हजारों जन्मों का अतीत, जो भी कर्म विपाक होगा वो वर्तमान और भविष्य के जितने भी जन्म होंगे, ये सब कुछ परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया है। शिष्यस्ते शाधिमाम, मुझे उपदेश कीजिए। नाउ ही इज रेडी टू रिसीव, ग्रहणशीलता। प्रिय स्वजनों, महापुरुष के सानिध्य में ग्रहणशीलता होना बहुत आवश्यक है। शाधिमाम, मुझे कहिए, इज रिसेप्टिव। और त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आया। कितना सौभाग्यशाली है प्रिय स्वजनों अर्जुन कि उसको भगवान श्री कृष्ण जैसे गुरु प्राप्त हुए। जीवन में जब समस्या आई तो किसी न किसी का आधार हमें चाहिए होता है, किसी न किसी की शरण लेनी होती है। अर्जुन इतना भाग्यशाली है कि स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण का सान्निध्य उसे प्राप्त है और यह मौका अर्जुन ने छोड़ा नहीं, शरणागत हो गया है। त्वाम प्रपन्न, प्रिय स्वजनों याद रखना, ऐसे संजोग सभी के जीवन में आते हैं। प्रश्न यह है कि जीवन में जब विपरीतता आती है, जीवन जब चैलेंज उपस्थित करता है, उस समय क्या हम अपनी बुद्धि पर ही आधार रखते जाते हैं? अपनी बुद्धि पर एक मर्यादा से अधिक आधार मत रखना प्रिय स्वजनों। बुद्धि हमें छलती है, इसके ऊपर अधिक चर्चा जब विषय आएगा तब करेंगे। किसी न किसी का साथ चाहिए, किसी न किसी की शरणागति चाहिए, कोई महापुरुष मिल जाए। भक्ति सूत्र में नारद जी बहुत सुंदर कहते हैं, 39वें सूत्र में, महत संगस्तु दुर्लभो गम्यो मोघश्च। महापुरुष का संग जब मिल जाए वो दुर्लभ है, अगम्य है, लेकिन अमोघ है, जल्दी से मिलता नहीं। महापुरुष सन्मुख आ जाए तो पहचान नहीं सकते जल्दी से, क्योंकि उस समय भी मनुष्य की अपनी बुद्धि कांस्टेंट एनालिसिस करती है, एग्जाम परीक्षा कर रही है। लेकिन यदि स्वीकार कर लिया तो अमोघश्च, महापुरुष का जो संग है वो अमोघ है, अनफेलिंग है। कैसे मिलता है? भक्ति सूत्र के 40वें सूत्र में नारद जी कहते हैं, लभ्यतेपि तत्कृपयैव। वो भी परमात्मा की कृपा से ही मिलते हैं महापुरुष, नहीं तो कहां मिलते हैं? क्योंकि महापुरुष का अपना तो स्वार्थ होता नहीं। इसलिए कई बार मैंने प्रवचनों में कहा है, जो महापुरुष तुम्हारे पीछे दौड़ता हो ना, उससे सावधान रहना। हफ्ते में 2 बार फोन करे, क्या है, कैसे है, ऐसा हो रहा है, कुछ करो, ये करो, चंदा, इनडायरेक्टली ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सावधान रहना। जो महापुरुष के पीछे तुम्हें पड़ना पड़े वो तुम्हारे काम आएगा, क्योंकि महापुरुष तो अपनी यात्रा पे है, वो तो निस्वार्थ अपनी मौज पे है। वो वाह वाह रे मौज फकीरा दी, तुम्हें उसे पकड़ना पड़ेगा, तुम्हें उसके साथ प्राप्त करना पड़ेगा, तुम्हें उसके रिदम में चलना पड़ेगा। तो भाग्यवान है अर्जुन जिसको भगवान श्री कृष्ण सन्मुख उपस्थित मिले और अर्जुन वो मौका चुका नहीं। त्वाम प्रपन्नम, प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे उपदेश कीजिए। ऐसा कहके अर्जुन जब शांत हुआ, संजय वर्णन करता है 9वें श्लोक में, उक्त्वा तुष्णीम बभूव, न इतना तो उसने लेकिन कह दिया, न योत्स्ये, मैं लड़ूंगा नहीं, इतना तो अर्जुन ने मानो अपने मन की बात कह दी। और वो चाहता था कि कृष्ण उसी की बात को आगे बढ़ाए, उसी की बात का कुछ करे, लेकिन ये तो कृष्ण है। अर्जुन जब शांत हुआ, भगवान श्री कृष्ण के उद्गार का आरंभ हुआ है। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से परमात्मा की वाणी प्रकट होती है। अधिकतर भाष्यकार श्रीमद आदि शंकराचार्य जी, श्रीमद रामानुजाचार्य जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी, श्रीमद मध्वाचार्य जी,
सभी महापुरुषों के भगवद गीता पर के भाष्य भी दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ होते हैं। भगवद गीता में परमात्मा श्री कृष्ण के उद्गार, आइए दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। प्रहसन्निव, भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद पर तो एक ही स्थिर भाव है, प्रसन्नता, और यही तो बहुत बड़ी बात है। सुजनों, कोई व्यक्ति जब संकट में हो और उसको सामने मदद करने आया व्यक्ति, आधार देने आया व्यक्ति भी संकट में एकदम टेंशन में खड़ा हो जाए, समझो कोई बीमार है और बीमार को ट्रीटमेंट करते हुए डॉक्टर के चेहरे पर भी स्ट्रेस दिखाई पड़े, तनाव दिखाई पड़े, तो दर्दी और बीमार हो जाएगा। डॉक्टर के चेहरे पर यदि प्रसन्नता हो तो पेशेंट को, दर्दी को थोड़ी सहायता होती है कि हाँ डॉक्टर साहब संभाल लेंगे। यहाँ पर अर्जुन मानसिक रूप से बीमार है और अर्जुन को ट्रीटमेंट देने के लिए विश्व का सबसे श्रेष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर केवी यादव, डॉक्टर कृष्ण वसुदेव यादव अपने मुखारविंद पर प्रसन्नता लेकर के आए हैं और कहता है अर्जुन अशोच्यानन वशोचस्तुम प्रज्ञावादांश, जिसकी चिंता नहीं करनी चाहिए ऐसी बातों की तुम चिंता कर रहे हो अर्जुन। और बातें बड़े बड़े बुद्धिमानों जैसी कर रहे हो, प्रज्ञावादांश भाष से दलील तो बहुत बड़ी बड़ी तर्क जो जुटा रहे हो अपनी बात के लिए, वो तो बड़े बड़े विद्वान लोग जो करें ऐसी बातें कर रहे हो, प्रज्ञावान बुद्धिवादी लोग करें ऐसी बातें कर रहे हो। लेकिन अर्जुन, तुम्हें पता है जो सही रूप में पंडित होते हैं वे गतासुं अगतासुं च न अनुशोचंती। भगवद गीता के सांख्य शास्त्र में ये टेक्निकल शब्द समझ लेना, पारिभाषिक शब्द है गतासु और अगतासु। आप भगवद गीता का केवल अनुवाद पढ़ोगे, आप कहोगे संस्कृत नहीं आती, हम तो ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, अनुवाद पढ़ते हैं, तो उसमें ऐसा लिखा होगा कि मृत या जीवित, मरे हुए या जीवित लोगों की चिंता नहीं करते, विचार नहीं करते, शोक नहीं करते, ऐसा आपके अनुवाद में लिखा होगा। तो हमारा जो ये मृत और जीवित का है वो गड़बड़ हो जाएगी, वो अनुवाद पर निर्भर मत रहना प्रिय स्वजनों। भगवद गीता के पारिभाषिक शब्दों को समझें, सांख्य शास्त्र कहता है गतासु एंड अगतासु, देयर इज नथिंग लाइक डेड। मृत ये शब्द ही मन से हटा दो, मरण का जो अर्थ हमने एक रखा है, एक संदर्भ में हमने पकड़ के रखा है अर्थ, वो अर्थ ही हमें फंसाता है, वो अर्थ ही हमें डराता है, वो अर्थ ही हमें विकल बना देता है, वो अर्थ ही हमें निर्बल बना देता है। इसलिए मृत्यु शब्द से लोग घबराने लगे। श्री कृष्ण क्या कहते हैं, गतासु अगतासु शब्द को समझे व्याकरण से। असु शब्द का अर्थ है प्राण, इलान वाइटल, जीवन ऊर्जा। गत और अगत, गत असु अर्थात जिनके प्राण चले गए, और अगत असु जिनके प्राण नहीं चले गए, मतलब अर्थात वो तो हैं। अब समझो असु की जगह में संस्कृत शब्द का ही एक दूसरा शब्द रख दूं, वसु। वसु का अर्थ है संपत्ति, वेल्थ। गत वसु अगत वसु, जिसकी संपत्ति चली गई और जिसकी संपत्ति नहीं चली गई। आपको डर लगा, संपत्ति चली गई, आपको लगेगा ठीक है नुकसान हो गया, व्यापार चला गया, नौकरी चली गई, जिस बैंक में पैसे रखे थे वो बैंक उठ गई, या तो जिसमें इन्वेस्ट किया था वो स्टॉक मार्केट में मंदी आ गई, संपत्ति चली गई। फिर भी आप तो कहोगे हम तो है ना, हम तो संपत्ति चली गई मैं हूं, ठीक है। और अगत वसु, जिसकी संपत्ति नहीं चली गई, अच्छी बात है संपत्ति भी है हम भी हैं।
गत वसु और अगत वसु, संपत्ति चली गई और संपत्ति नहीं चली गई, दोनों में हम हैं, वी आर देयर। ठीक इसी तरह गत असु और अगत असु, प्राण चले गए और प्राण नहीं चले गए, इन दोनों में हम हैं। समस्या क्या होती है, गत असु जब बात करते हैं तो कहते हैं प्राण चले गए, मृत हो गए, मर गए, अर्थात हम भी चले गए। नहीं गए, हमारा अस्तित्व, हम जो प्योर फॉर्म है, हमारा शुद्ध स्वरूप है, वह प्राण के आने जाने पर अवलंबित नहीं है। अवर प्योर एग्जिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन एंटरिंग और लिविंग द प्राण एंड वाइटल एंटरिंग द और लिविंग द बॉडी। इसका अर्थ ये हुआ प्रिय स्वजनों, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और पंडित वो है जो इस तथ्य को, इस वास्तविकता को, अस्तित्व के इस सिद्धांत को जानते हैं। इसलिए प्राण के आने या जाने से वे न शोचन्ति, चिंता नहीं करते, शोक नहीं करते, न अनुशोचन, शोचन्ति भी का अनुशोचन्ति, एक एक शब्द इतने मधुर है प्रिय स्वजनों। अनुशोचन्ति का अर्थ बार बार, रेपिटेटिवली नहीं करते वो चिंता। क्यों? पहली बात, शरीर है तो उसमें प्राण का आना और जाना निश्चित है। अब जो आना और जाना निश्चित है उसकी क्या चिंता करना। जैसे पृथ्वी पर हम हैं तो सूर्य का उगना और सूर्य का अस्त होना निश्चित है, क्या चिंता करना। निश्चित जो है, जो अवश्यम भावी है, उसके बारे में शोक करना अब स्वयं को दुखी करने का श्रेष्ठ मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं, जो निश्चित है उसका स्वीकार करो, उसमें सयानापन है। प्राण के शरीर में प्राण के आने जाने की घटना को स्वीकार कर लो। न अनुशोचन्ति पंडिताः। और कैसी बात है, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रभु ने कहा, नत्वे वाहम जातु नासम, नत्वम नेमे जनाधिपाः, नचैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। डबल नेगेटिव में बात की है। शास्त्र की जब बात करनी हो और परफेक्ट बात बतानी हो तो विधानात्मक वाक्य की मर्यादा आ जाती है। स्टेटमेंट्स हैव द लिमिटेशंस, यू हैव टू टॉक इन डबल नेगेटिव टू मेक इट मोर प्रिसाइज। अब लीगल डॉक्यूमेंट्स पढ़ना, किसी अच्छे एडवोकेट के द्वारा ड्राफ्टिंग किए गए होंगे, अच्छे लॉयर के द्वारा, तो उसमें डबल नेगेटिव आते हैं बातें, वो बहुत प्रिसाइज होते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या होता है, विधान, यह घर मेरा है, तो एक विधान हो गया, ठीक है यह घर मेरा है। लेकिन यह घर मेरा है कहो तो कोई दूसरा भी कहेगा मेरा है, तीसरा है, चौथा है, मेरा है, पांचवा है, वो भी बोलेंगे। लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट जब बनेगा तो क्या कहेंगे, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू नन एल्स देन मी एंड नोबडी एल्स। इसका अर्थ, ये प्रॉपर्टी मेरे सिवा अन्य किसी की नहीं है, नोबडी कैन क्लेम राइट। तो देखिए कितना प्रिसाइज हो गई बात, डबल नेगेटिव में बात आई। ऐसे यहां भी भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में जो कहते हैं, ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन जब तू, मैं या ये सब राजा लोग नहीं थे, अर्थात तू हमेशा थे, अभी तो हो, दिखाई पड़ रहे हो एक दूसरे के सामने खड़े हुए। और सर्वे वयमतः परम, न चैव न भविष्यामः। ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब मैं, तू और ये सब राजा नहीं होंगे, मीनिंग वी विल ऑलवेज बी देयर। तो हमारा होना ये स्वभाव है, हमेशा से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। टू बी इज द नेचर ऑफ द सोल, आत्मा हमेशा रहती ही है। तो फिर आता जाता क्या है, प्राण आते जाते हैं, कहां आते जाते हैं, शरीर में आते जाते हैं। इसका अर्थ हम तो शरीर है ही नहीं। इसी बात को प्रभु ने समझाया,
देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नमुह्यति। दो शब्दों को समझना, देह और देही। देह अर्थात शरीर, और देही शरीर में रहने वाला आत्मा। इस शरीर में जैसे कौमार, यौवन, जरा अर्थात वृद्धावस्था, बचपन, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था आती है, ऐसे ही एक और अवस्था आती है जब देही अर्थात आत्मा अन्य शरीर को धारण कर लेती है। शरीर की अवस्था निरंतर बदलती रहेगी? नहीं, बदलती रही। आप जैसा जन्म लेकर आए थे वैसी अवस्था में पूरे जीवन भर रहे? नहीं, शरीर बदलता रहा। अस्थि जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते, वो सभी अवस्थाओं को हमने स्वीकार भी किया। शरीर छोटा था, बड़ा हुआ, शरीर में शक्ति कम थी, युवावस्था में शक्ति आई, फिर परिवर्तन शुरू हुए, पुरुष की आवाज बदली, मूछें आई, दाढ़ी बढ़ने लगी, ये सब होने लगा, स्त्री शरीर में भी परिवर्तन होने लगा, ये सारे परिवर्तनों का हमने स्वीकार किया। अपक्षीय शुरू हुआ, अपक्षय शुरू हुआ, बाल सफेद होने लगे, चमड़ी पर झुर्रियां आने लगी, आंखें कम होने लगी, शक्ति ऊर्जा कम होने लगी, ये भी सब हमने स्वीकार किया वृद्धावस्था। तो अब जब ये शरीर बदल रहा है, आत्मा जब एक शरीर को छोड़कर के दूसरे शरीर को जा रहा है, तो उसमें धीरः तत्र न मोहयति, बुद्धिमान व्यक्ति जो है उसमें मोहित नहीं होता है। वो भी एक अवस्था है, उसको स्वीकार कर लो। और ये शरीर जैसे आनी जानी है, शरीर की अवस्थाएं जैसे आनी जानी है, ऐसे ही इस शरीर में जिसको हम सुख दुख कहते हैं, वो भी सब आने जाने वाले हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। कितने मैंने कहा ना, सांख्य शास्त्र 2+2=4, सीधी गणित की बात। मात्रा स्पर्श, मात्रा का अर्थ है इंद्रिया और स्पर्श का अर्थ है विषय। ये शरीर में रह कर के हम जिसको सुख दुख बोलते हैं, वो होता क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं वो कुछ नहीं है, वो इंद्रिय और विषयों का संयोग है जो ठंडी गर्मी सुख दुख इत्यादि देते हैं। इंद्रिय और विषय का अनुकूल संयोग हुआ तो हम कहते हैं सुख हुआ, इंद्रिय और विषय का प्रतिकूल संयोग हुआ तो दुख हुआ। योग्य इंद्रिय का योग्य समय के साथ, योग्य विषय के साथ अनुकूल संयोग, उसको सुख कहते हैं। दृष्टांत, रसनेन्द्रिय है जिह्वा, जीभ, और उसका विषय क्या है? तो स्वादिष्ट भोजन या भोजन। समझ लीजिए आपको मिर्ची की पकौड़ी पसंद है, वो विषय हुआ, और रसना आपकी जीभ, वो मात्रा है। मात्रा स्पर्शः, जीभ रूपी इंद्रिय को मिर्ची की पकौड़ी रूपी विषय मिला और अच्छा लगा आपको, पकोगे वाह, सुख हुआ, टेस्टी है। लेकिन समझो मिर्ची आपकी पसंद से अधिक तीखी निकली, वो करोगे, वो दुख हो गया, आंखों से पानी आने लगा। क्यों? अच्छा नहीं लगा। ये संयोग अनुकूल संयोग नहीं रहा, प्रतिकूल संयोग रहा, आप कहोगे दुख हो गया। इतना ही नहीं, विषय केवल इंद्रिय से मिले तो सुख हो जाता है, ऐसा नहीं। योग्य विषय योग्य इंद्रिय से मिलना चाहिए। स्वादिष्ट से स्वादिष्ट मिर्ची की पकौड़ी भी उसकी अनुकूल जो इंद्रिय, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इंद्रिय है जीभ, उसको मिले तो ही स्वाद। अत्यंत स्वादिष्ट मिर्ची की पकौड़ी आंख में डालोगे तो दुख होगा, क्योंकि विषय तो अच्छा है लेकिन योग्य इंद्रिय के पास नहीं जा रहा। तो और कुछ नहीं, सुख दुख केवल इंद्रिय और विषय का संयोग है, और उससे ये सुख दुख मिलते हैं। और ये भी सारे क्या है? आगमापायिनः अर्थात अनित्यः। आगमापायिनः अर्थात आने वाले और जाने वाले हैं, और अनित्य है, अनित्य टेम्पररी है वो सब। ये सब पहली पकौड़ी में सुख मिलेगा, दूसरी पकौड़ी में और सुख मिलेगा, तीसरी पकौड़ी में कम, चौथे पांचवी, आधे किलो आपने मिर्ची 15-20 पकौड़ियां खा ली, फिर 21वीं पकौड़ी में वो सुख नहीं मिलेगा जो आपको पहली पकौड़ी में मिला था। क्यों? ये अनित्य है।
और सुबह दोपहर शाम रात, सुबह दोपहर शाम रात 15 दिन तक आपको केवल मिर्ची की पकौड़ियाँ खिलाई जाता है और कुछ नहीं मिलेगा, तो 16वें दिन कहोगे भाई साहब बंद करो अब ये मिर्ची की पकौड़ी, जिंदगी भर इसको हाथ नहीं लगाएंगे। आप कहोगे क्यों भाई, आपको तो बड़ी पसंद थी। नहीं लेकिन यही तो आप विषय को बदलना भी चाहते हो। आगे आने वाले और जाने वो जाएंगे तो फिर दूसरी बार आएंगे तो आनंद आएगा, एक बार आके रह गए तो फिर आपको आनंद नहीं दे पाएंगे। ये सोचो, मैं आपके वैवाहिक जीवन की बात नहीं करता। जिस कन्या को या जिस पुरुष को आपने सोचा था कि जीवन में आ जाए तो सुख मिल जाएगा, आके बैठे हैं आपके जीवन में, अब क्या हो रहा है? यदि आप सुखी हो तो बड़े आशीर्वाद आपको, लेकिन कभी ना कभी लोग कहते हैं ना वी नीड अवर स्पेस, और समझदार लोग तो होते हैं हाँ वो गिव देम द स्पेस, तो आपका आकर्षण है। मजाक छोड़े, जीव और इंद्रिया, विषय और इंद्रिया का जो संयोग संयोग है प्रिय स्वजनों, आगमा पाई तभी सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। तो क्या करो, सूत्र दे दिया भगवान श्री कृष्ण ने, ताउं स्थितिक्षस्व भारत, अर्जुन उसको सहन करना सीख, लर्न टू विदस्टैंड देम, उसके गुलाम मत बन। आते हैं तेरे पास, सहन कर ले, सुख आया सुख का स्वीकार कर ले, दुख आया दुख का स्वीकार कर ले। तो ये जब करते हो जीवन में आनंद आता है। और ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, असत असत की बहुत सुंदर चर्चा की है। असत कभी ये संसार में था ही नहीं, दिखाई पड़े तो वो टेम्पररी है, माया है, और सत कभी संसार से गया नहीं। सत यदि दिखाई ना पड़े तो आपकी दृष्टि की मर्यादा है, आपके परसेप्शन की मर्यादा है। सत अर्थात जो इटर्नल है, शाश्वत है, वो हमेशा रहता है। आत्मा सत है, वो हमेशा है, शरीर असत है, वो आएगा और जाएगा। इतना यदि व्यक्ति स्वीकार कर ले तो अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्विदं ततम, जिससे ये सारा व्याप्त है ये आत्मा तो अविनाशी है, इसका विनाश कोई कर ही नहीं सकता। अर्जुन, अर्जुन का प्रश्न क्या था, मैं इन सबको मारूंगा। भगवान ने वो मरने मारने वाली जो बात है ना उसका बेज ही हटा दिया। अर्जुन ने सोचा था मैं इन सभी की मृत्यु का कारण बनूंगा, मेरे स्वजन जो है, और भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन मृत्यु जैसी कोई घटना है ही नहीं, और पारमार्थिक दृष्टि से देखे तो मृत्यु शोचनीय घटना नहीं है, वो जीवन की वास्तविकता है। पत्ते के ऊपर, पेड़ के ऊपर पत्ते खिलते हैं, बनते हैं, पीले होकर के गिर जाते हैं, ये अस्तित्व की घटना है। आप लाख कोशिश करोगे अर्जुन, तुम कहोगे मैं नहीं मारूंगा, क्या ये अमर बने रहेंगे? मृत्यु पारमार्थिक दृष्टि से शोचनीय घटना नहीं है। नानु शोचन्ति, भगवान ने पहले 11वें श्लोक में ही कह दिया न अनुशोचन्ति। तो अंतवंत इमे देहा नित्यस्युक्ता शरीर, देह तो अंतवंत है। लोगों के नाम अलग अलग होते हैं ना, कोई धनवंत होता है, कोई गुणवंत होता है, कोई यशवंत होता है, कोई गुणवंत हो न हो, कोई धनवंत हो न हो, कोई यशवंत हो न हो, एक बात है भाई, अंतवंत हम सब हैं। शरीर लेकर आए हैं तो शरीर छोड़कर जाना ही पड़ेगा, चाहे लाख कोशिश करो, अंतवंत इमे देहा। लेकिन उसमें जो रहने वाला शरीर इना है, शरीर बन में बन रहते वाला, वो नित्य नित्य, वो नित्य है, वो कहीं नहीं जाता। अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत, और जो कहता है या जो मानता है कि शरीर किसी को मारेगा या शरीर किसी से मरेगा, वो कोई दोनों अज्ञानी है। नायम हन्ति न हन्यते, शरीर न किसी को मारता है न किसी से मरता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूयो, अजो नित्यः शाश्वतः अयम पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये शरीर आत्मा जो है ना वो अज है, अजन्मा है। आत्मा की मृत्यु इसलिए नहीं होती क्योंकि आत्मा की कभी जन्म नहीं होता। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो बनकर आया है वो बिगड़ने वाला है, नष्ट होने वाला है। आत्मा की मृत्यु इसलिए नहीं होती क्योंकि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता।
इसलिए वो नित्य है। पुराण है, पुरा अपि नूतनम तत् पुराणम। समय की दृष्टि से देखोगे तो लगता है कि वो प्राचीन है, लेकिन प्राचीन होने से वो नष्ट नहीं होता, वो निरंतर नित्य नूतन है। इट इज एज कंटेम्पररी एज इट वॉज एवर इन द पास्ट। इसको कहते हैं पुराण। और न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर जो नाशवंत है उसमें रहकर भी आत्मा का कभी नाश नहीं होता। अर्जुन ऐसे, और कैसे ये मृत्यु जिसको समझते हैं लोग क्या है, दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में बहुत सुंदर दृष्टांत देकर प्रभु ने बात की। प्रिय स्वजनों, वासाओं से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। एक वस्त्र जब पुराना पड़ जाए तो हम उसे छोड़ देते हैं, तो नया वस्त्र धारण कर लेते हैं। ऐसे एक शरीर जब पुराना पड़ जाए तो जीवात्मा उसे छोड़ देता है और नया शरीर धारण कर लेता है। मृत्यु नाम की घटना को इतनी सरलता से समझाना ये केवल परमात्मा श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। मृत्यु क्या है? वस्त्र बदलने की प्रक्रिया है। एक अमेरिकन लेखक ने मृत्यु से के लिए कहा, इट्स लाइक चेंजिंग द कवर ऑफ द बुक। पुस्तक का कवर आप बदल दो, उससे पुस्तक में जो कंटेंट है वो नहीं बदलता। ऐसे शरीर बदलने से आत्मा नहीं बदलती, आत्मा तो वही रहती है। हमारे भारत के किसी कवि ने कहा है कि मृत्यु तो मंदिर का जीर्णोद्धार है। मंदिर जब बाहर की दीवारें पुरानी पड़ जाए तो उसको दीवार को उतार दो, नई दीवारें बड़ी बना दो, मंदिर अच्छा और भव्य बना दो। मंदिर की बाहर की दीवारों को बदलने से आप अंदर भगवान की जो स्थापना हुई है उन मूर्तियों को नहीं बदलते। ठीक इसी तरह आत्मा तो वही रहे, मूर्ति आत्मा है, पूजा उसकी होती है, महत्ता उसकी होती है, वो नहीं बदलता। बाहर की शरीर दीवारें बदलती रहे, होती रहे, पुरानी पड़े नहीं हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो, और सच पूछो तो मंदिर का जब जीर्णोद्धार हो वो आनंद की घटना है। पारमार्थिक दृष्टि से देखें तो मृत्यु ये आनंद की घटना है। नया पुराना जो पुरुष जो शरीर पुराना पड़ गया था वो नया मिल रहा है, पुराना पड़ गया था वस्त्र नया मिल रहा है। यहां पर एक छोटी सी बात कई बार लोगों के मन में आती है कि जब किसी की छोटी उम्र में मृत्यु हो जाए, 90-95 वर्ष के बाद जब मृत्यु हो तो लोग स्वीकार करते हैं कि चलो उसने अपना जीवन जी लिया। कम आयु में जब मृत्यु हो जाए तो क्या करें? इसमें भी यही बात याद रखना प्रिय स्वजनों, वस्त्र कब पुराना पड़ गया वो पहनने वाला तय करता है। कोई सामान्य व्यक्ति एक शर्ट को 10 साल तक पहनता रहेगा, कोई श्रीमंत व्यक्ति केवल 10 बार पहन के वो शर्ट को छोड़ देगा, क्योंकि वो समझता है कि अब ये वस्त्र मेरे लिए पुराना पड़ गया। तो पहनने वाला तय करता है वस्त्र कब पुराना पड़ा। आत्मा को तय करने दीजिए, और आत्मा के जो तय किया हुआ निर्णय है वो आप स्वीकार कीजिए, क्योंकि शरीर में रही हुई आत्मा जो विशुद्ध तत्व है वो जानता है कि ये शरीर मेरे लिए कब पुराना पड़ेगा। आगे की यात्रा के लिए मुझे नया शरीर चाहिए, या तो यात्रा पूरी हो गई मोक्ष हो गया तो शरीर भले चाहे कम आयु हो वो शरीर छोड़ के आत्मा परमात्मा से एक रूप हो जाएगी। हम होते कौन है उस आत्मा के निर्णय का विरोध करने वाले। संवेदना हमें होती है, प्रिय जन को विदाई देनी पड़े तो शोक होता है, रुदन होता है, ये बात स्वीकार करता हूं। लेकिन आध्यात्मिक भूमिका से मैं कहूं कि उस शोक को हो सके उतना जल्दी छोड़ करके वास्तविकता का स्वीकार कर लीजिए। उस आत्मा ने जो निर्णय किया है उस निर्णय को बढ़ावा दीजिए। यात्रा जो करनी, गांव में इधर उधर घूमना हो तो एक ही पुरानी वाली गाड़ी आप 25 साल तक चलाते रहोगे, लेकिन कोई लंबी जर्नी करनी हो, कोई महत्वपूर्ण काम है, माउंटेन में जाना है, कोई एक्सपेडिशन करना है, तो आप कहोगे ये गाड़ी पुरानी पड़ गई, हमें नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। कोई पूछे रे भाई तुम 10 साल से 25 साल से चला रहे थे, क्या इसमें खराबी है? खराबी कोई भी नहीं है, जहां मुझे जाना है इसके लिए ये गाड़ी नहीं चलेगी, चाहे वो नई गाड़ी हो तो भी नहीं चलेगी। कई बार ऐसा होता है ना, नई गाड़ी लाए लेकिन वो आपके गांव में इधर उधर घूमने के लिए सही है, माउंटेनियरिंग में जाना है, कोई बड़ा काम करना है तो नहीं चले। ऐसे ये शरीर भले
30 साल का ही हुआ है, लेकिन मुझे जो आगे की यात्रा आत्मा को करनी है उसके लिए 30 साल वाला शरीर भी नहीं चलेगा, उससे कोई बेटर शरीर चाहिए, कोई दूसरा शरीर चाहिए, तो स्वाभाविक है ये शरीर छोड़ना पड़ेगा और वो आत्मा तय करेगी। हम कैसे तय कर सकते हैं? यदि आप उस आत्मा से प्रेम करते हैं तो उस आत्मा के निर्णय का भी स्वीकार करो। कई दृष्टांतों से समझाता हूं ऐसी घटनाओं को। माता पिता हमेशा चाहते हैं कि अपनी संतान कहीं, हम जो शहर में रहते हैं वही यूनिवर्सिटी में, वही कॉलेज में एडमिशन लेके पढ़े, और माता पिता का ज्ञान भी तो मर्यादित होता है। बेटा कॉलेज कॉलेज होती है ना, पढ़ाई पढ़ाई होती है, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी होती है, वहां पढ़ो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो संतान है उसकी एम्बिशंस बहुत है, महत्वाकांक्षाएं बहुत है, जीवन में कुछ कर दिखाना है उसको, और उसको जो कोर्स करना है उसने प्रदेश में 10,000 माइल दूर कहीं पर कोई यूनिवर्सिटी ढूंढी है, तो माता पिता नहीं सोच सकते बेटा पढ़ाई होती है ना, यहां भी तो ग्रेजुएट हो जाओगे, वहां दूर इतने जाने की क्या आवश्यकता है। वो युवक जानता है कि मुझे क्यों इतना दूर जाना है, ये पढ़ूंगा तो क्या होगा, जीवन में मैं आगे क्या करूंगा, विश्व में कितना आगे कर सकूंगा। फिर माता पिता स्वीकार कर लेते हैं ना, बेटा हमने तो समझाया घर में रहते तो अच्छा था, शहर में ही जो यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ते तो अच्छा था, लेकिन अब नहीं पढ़ना है, कोई बात नहीं, तुमने ठहर किया, वी ट्रस्ट यू बेटा, क्योंकि हम तुमसे प्रेम करते हैं और तुम जीवन में कुछ बनकर दिखाना चाहते हो तो हमारे आशीर्वाद है। घर से दूर जाता हुआ पुत्र, माता पिता को दुख तो होता है लेकिन पुत्र की इच्छा को अनुमति देते हुए, आशीर्वाद देते हुए, उसके विरह को सहन करते हुए भी कहते जाओ पुत्र तुम आगे बढ़ो। बस जीवन की यात्रा में भी ऐसा है, कई बार ये शरीर की मर्यादाएं आत्मा को नड़ती है, उससे मुक्त होकर के आत्मा अपनी आगे की यात्रा पसंद करे, कोई नया शरीर कोई नया स्वरूप प्राप्त करे, संवेदनाओं को रोक कर उस पर संयम पा करके उस आत्मा के निर्णय को स्वीकार करना सीखो। मृत्यु को शोक में मत बदलो, मृत्यु को एक वास्तविकता के रूप में लेकर के स्वीकार करते हुए जीवन में आगे बढ़े, देह और आत्मा के संबंध को स्वीकारें। बाकी कोई शस्त्र इस आत्मा को छेदन नहीं कर सकते, अग्नि उसका दहन नहीं कर सकता, पानी भिगो नहीं सकता, पवन उसको सुखा नहीं सकता। ये आत्मा की अमरता की बात करी है और 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। ये सिद्धांत है, देखो संख्या में मैंने क्या कहा, दीज आर द प्रिंसिपल्स एंड यू कैन नॉट चेंज इट। और ये सारे सिद्धांत ऐसे हैं कि किसी एक व्यक्ति की निजी मान्यता पर, उसका अभिप्राय पर अवलंबित नहीं होते। कोई कहेगा हम ये नहीं मानते तो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे न मानने से अस्तित्व के सिद्धांत बदलते नहीं। ये दसमा जातस्य ही जन्म लिया है तो मृत्यु होगी, और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मृत्यु हुई है तो अगला जन्म होगा ही, यदि मोक्ष होना है तो बात अलग, अन्यथा जन्म होगा ही। तस्मात अपरिहार्य थे, देखो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये अपरिहार्य है, इट इज इनरिट्रीवेबल, इट इज अनचेंजेबल, इसमें कोई किंतु परंतु यह है ही नहीं, दिस इज हाउ इट वर्क्स। न त्वम शोचितुम अर्हसि, तुम चिंता मत करो, इसको स्वीकार करो। और ये बात करते हुए फिर 30वें श्लोक तक सांख्य शास्त्र का दर्शन करा करके 31वें श्लोक से भगवान ने स्वधर्म क्या है ये समझाने का आरंभ किया है कि अर्जुन तेरा स्वधर्म भी यदि हम देखें तो भी ये युद्ध से मुकर जाना तेरे लिए योग्य नहीं है। न विकंपितुम अर्हसि, अर्जुन क्या हुआ है, विकंपित हो गया है अर्जुन, विचलित हो गया है। श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन विचलित ना हो, स्वधर्म समझाते हैं। प्रिय स्वजनों, ये स्वधर्म की बात जो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, अगले सत्र में हम इस पर चिंतन करें। आइए आज के सत्र को यहीं पर अल्प विराम दें, दूसरे अध्याय में दूसरा सत्र जब हम करें तो स्वधर्म की बात से भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक से हम दर्शन करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।